नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जी हां, हरियाणा में क्रिकेट खेलने क्या गए, खुद ही अपना विकेट गंवा बैठे, यानी हेड विकेट हो गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी की। अभी अभी जो खबरें मिली हैं उसके हिसाब से दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी को पार्टी ने हटा दिया है अध्यक्ष पद से, उनके जगह दूसरे को पार्टी अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन खबरें जो अभी अभी आई हैं, मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। पार्टी बहुत दिनों से चाह रही थी उनको इस पद से हटाने का, लेकिन कोई वाजिब कारण पार्टी को नहीं मिल रहा था। बस कारण पार्टी को मिला यूं कि दिल्ली कोरोना काल में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हरियाणा क्रिकेट खेलने गए और प्रधानमंत्री के गाइडलाइन का शायद उन्होंने अनुसरण नहीं किया और इसी बात पे पार्टी नेतृत्व जो है नाराज दिख रहा था और उन्हें आज पार्टी से हटा दिया गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में इतने कद्दावर नेताओं के रहते हुए भी मनोज तिवारी को दिल्ली प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष बनाने का एक कारण था। कारण सबसे बड़ा ये था कि करीब करीब 70% जो पूर्वांचल के लोगों के कहने का मतलब ये होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का वर्चस्व और वोटर है वहाँ पे। पार्टी नेतृत्व ने ये समझा कि मनोज तिवारी भी पूर्वांचल से आते हैं, जिसका फायदा उसे पूर्वांचल वोटरों को रिझाने में हो सकता है, लेकिन मनोज तिवारी यहाँ चूक गए। मनोज तिवारी वहाँ के वोटरों को लुभा नहीं सके और नतीजा दिल्ली में भाजपा की बड़ी फजीहत हुई। जब तब मनोज तिवारी जो हैं अपने विवादित बयानों के कारण भी पार्टी को परेशानी में डाल देते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि बस सही कारण मिला और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया। बहरहाल अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा भाजपा का, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए नेशन भारत चैनल को, नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।